नमस्कार, मेरा नाम है संकेत म्हात्रे और आप सभी का स्वागत है 3 मिनट्स टू अ बेहतर वॉइस के इस नए सेशन में। अगले कुछ एपिसोड्स में हम बात करने वाले हैं वोकल केयर की। हम ये जानेंगे कि अपनी आवाज का ख्याल कैसे रख सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपनी आवाज का बेहतर ख्याल रख पाएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं क्या करें जब आपका गला बैठा हो या गला खराब हो। सबसे पहली बात, अपने गले को आराम देने की कोशिश कीजिए। आपके वोकल कॉर्ड्स पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, पर आपके वोकल कॉर्ड्स एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इन्हें हील करने का वक्त दें तो ये पूरी तरह से हील हो सकते हैं। तो अगर गला बैठा हो या गला खराब हो तो उसे ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की कोशिश करें और अगर हो सके तो दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी के साथ शहद यानी हनी पीने की कोशिश करें। इससे गले को आराम मिलेगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक मिथ की जिस पर बहुत लोग भरोसा करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो है सिगरेट पीने से आपकी आवाज का बेस बढ़ता है। ये बहुत ही गलत चीज है। इस पर कोई रिसर्च नहीं किया गया है और हम सब सिगरेट पीने के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इल इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हमिंग करना या ओम की एक्सरसाइज करना या चिन नीचे रखकर बात करने की कोशिश करना, इनसे आपकी आवाज में नेचुरल बेस आ सकता है। तो प्लीज डू नॉट स्मोक और च्यू टोबैको। इसके बाद बात करेंगे अल्कोहल और कॉफी की। अनफॉर्चुनेटली अल्कोहल और कॉफी पीना हम में से कई लोग पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, पर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए अगर हम अपनी बेस्ट वोकल परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि कैफीन और अल्कोहल हमारे बॉडी पर डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसका मतलब है इनकी वजह से या इन्हें कंज्यूम करने से वोकल कॉर्ड्स डिहाइड्रेट होते हैं और उन पर परफॉर्मेंस के दौरान स्ट्रेन पड़ता है। इसीलिए जहां तक हो सके रिकॉर्डिंग के पहले या ठीक रिकॉर्डिंग के वक्त कॉफी पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। और अगर आप इन्हें अवॉइड नहीं कर पाते हैं तो फॉर एवरी ग्लास ऑफ अल्कोहल और कैफीन दैट यू कंज्यूम, एक ग्लास पानी पीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक सिनेरियो की जो हम सब करते हैं। अगर इंडिया मैच हार जाती है या आपका कोई दोस्त 1 घंटा लेट आता है या आप चीयर कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लूडो या ऊनो या मोनोपोली खेल रहे हैं, प्लीज डोंट रेज योर वॉइस। ऊंची आवाज में बात करना अवॉइड कीजिए। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में हैं जैसे रेस्टोरेंट्स या पब्स में जहां लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा है, तो उससे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। इससे आपके गले पर स्ट्रेन पड़ता है। अगर किसी को बुलाना है तो एक दफा आवाज ऊंची कर सकते हैं, पर कंटिन्यूस कॉन्वर्सेशन करने से वोकल कॉर्ड्स स्ट्रेन हो जाते हैं और इनसे आप वोकल परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाते। ऐसी ही कुछ और टिप्स अगली बार शेयर करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।